मालिक मालिक मैं आ गया हूँ मालिक। बाजार से बहुत अच्छी सब्जी लाया हूँ मालिक, मसूर दाल के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आहा, मेरे जीभ में तो अभी से पानी आ गया। वो तो सब ठीक है, लेकिन बुद्धू तुम्हें अभी बगल वाले गांव में जाना पड़ेगा। पास के गांव में क्यों मालिक? मालिक बाहर बहुत धूप है मालिक, बाजार से आते आते मैं पसीने से भर गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जरूरी काम है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ज्यादा लंबा नहीं है, ये ले मैंने लिस्ट बना दिया है, उसके हिसाब से सामान ले आ। और सुनो, गांव में जो सबसे बड़ा दुकान है ना, वहीं से सामान लेना, समझे? ठीक है मालिक, मैं समझ गया, जाता हूँ। जा 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 बुद्धू, जल्दी जा। और सुन, आज कोई गड़बड़ करके मत आना, ठीक है? वरना तू हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करता है, समझा? इस सब चीज के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है मालिक, मैं किसी भी समस्या में नहीं पड़ने वाला, कभी नहीं। अच्छा मालिक, जाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। उफ, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, पसीने पसीने से तो तरबतर हो गया। कुछ गाना गाता हूँ जिससे मेरा ध्यान गर्मी से हट जाएगा। गर्मी में गाओ गाना जिससे नहीं आए पसीना। अरे बुद्धू सुनो बुद्धू, अरे बुद्धू सुनो बुद्धू, कुछ गड़बड़ तो सब फंसना नहीं, चलते रहो बिल्कुल थमना नहीं। अरे गाना तो मैं भूल गया। अरे गाना तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है बुद्धू। अरे बाप रे, कितना जामुन फला है इस पेड़ में, वाह पका पका है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा जामुन मैं खाऊंगा। जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ, अभी तो गांव जाने में बहुत टाइम लगेगा ना। वाह, अरे वाह, कितना पका पका जामुन है। मैं पतला जरूर दिखता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में बहुत जान है, जिससे सारा जामुन जमीन पे गिर जाएगा। अरे बाप रे बाप। क्या मीठा है, वाह जामुन, अरे वाह, ये तो एकदम शक्कर से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या हो गया, क्या लगा? अच्छा बच्चू, तुम मेरे पे जामुन का बीज मार रहा है क्यों? अभी दिखाता हूँ। सुन भाई सुन, यहाँ आपने मुझे बुलाया भैया? तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ नहीं तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो आपने मुझे ही बुलाया है। बोलिए भैया, क्यों बुलाया है? बोलिए बोलिए। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तुमने अभी अभी मुझ पर जामुन की बीज क्यों डाली? मैं तो नहीं डाला भैया, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई है भैया। मैं तो आपके ऊपर जामुन बिल्कुल नहीं फेंका, मैंने तो आसमान में फेंका था। हाँ भैया। तुम वो कहीं पर भी फेंको, पर वो आकर गिरा तो मेरे बदन पर ही ना। अरे बाप रे, अरे तो उसको घर जाके अच्छे से धो लीजिएगा भैया, क्योंकि हो सकता है आपको शरीर से जामुन का पेड़ उगाए। हाँ, जामुन का पेड़ उगेगा? वो कैसे? अरे बाप रे, आपको ये भी नहीं पता? शरीर में जामुन का बीज लगने से पेड़ उगाता है भैया। देखा भैया, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। ये तो वाकई में महाबेवकूफ है, इसे काम पर लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, कोई बचाओ, अरे मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। तुमने जो मुझे जामुन की बीज मारी थी, उससे मेरा हाथ टूट गया। अरे जामुन के बीज से आपका हाथ टूट गया? मैंने तो ऐसा कभी दुनिया में नहीं देखा। अरे दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा होता है, तुम्हें क्या सब कुछ पता होता है? तुम्हारी वजह से मेरा हाथ टूट गया, अब मैं क्या करूं बताओ? लाओ पैसा, लाओ। पैसा? पैसा तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है भैया, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है? अच्छा, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर का सारा काम तुम किया करो। मेरा हाथ तो है नहीं, तो कौन करेगा? तुम ही करोगे ना? हाँ भैया, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे काम के लिए भेजा है भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे जाना होगा। जामुन के बीज से आपका हाथ टूट जाएगा, ये मैं समझ ही नहीं पाया भैया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। पुलिस? नहीं 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 भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे जाने दीजिए भैया, मुझे पास के गांव में जाना है भैया, मुझे मालिक ने काम दिया है भैया। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा भैया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भैया। हाँ पूछो। आपके घर में कितने दिन काम करना पड़ेगा भैया? जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता तब तक रहना पड़ेगा। देखो अभी इसे मजा चखाता हूँ। एक बात बता, तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम तो बुद्धू है भैया, आप मुझे बुद्धू बोल के ही बुला सकते हैं भैया, मेरे माँ पिताजी ने यही नाम रखा है भैया। हाँ ठीक है बुद्धू, ये है मेरा घर और उस तरफ है रसोई घर, जाओ जल्दी जाओ और कुछ खाना बना के लाओ। ठीक है भैया, मैं अभी बना के लाता हूँ। बुद्धू एक गिलास पानी लाओ तो। बुद्धू मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बदन पर जरा मालिश कर दो तो। ठीक है भैया। बुद्धू रसोई घर बहुत गंदा हो गया है, जरा जल्दी से उसे साफ कर दो तो। देखो ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, बुद्धू अभी तक आया क्यों नहीं? इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था उसे। जरूर कोई गड़बड़ की होगी उसने, मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। बुद्धू की एक साथ में तस्वीर लेकर जाता हूँ जिससे ढूंढने में आसानी होगी। बुद्धू मैं 1 घंटे के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, कितना काम कराया है इन्होंने, अब तो मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है। अरे बाप रे बाप, अब तो मैं मर जाऊंगा। बुद्धू, ए बुद्धू, ए बुद्धू कहाँ है तू? अंदर है क्या वहाँ पर? बुद्धू बताना। अरे अभी तो मालिक की आवाज लग रही है। मालिक मालिक, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे वो नुक्कड़ पे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुद्धू? बताओ जरा। क्या बताओ मालिक, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है बुद्धू, मैं तुम्हें जैसे जैसे बताता जाऊंगा तुम वैसे वैसे ही करना, ठीक है? बुद्धू मैं आ गया। हाँ जी भैया बोलिए। पानी पियेंगे? पानी? हाँ, जल्दी से एक गिलास ले आ। रुकिए रुकिए, लगता है पानी में कुछ गिर गया है। नहीं तो, कुछ भी तो नहीं गिरा। कुछ तो गिरा है, दीजिए ग्लास दीजिए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मेरा हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया। अरे बाप रे, मेरा पूरा हाथ जल गया। क्या? पानी से तेरा हाथ जल गया और इतना जल्दी फोड़ा आ गया? कुछ भी बात बोल। क्यों भाई, जामुन की बीज गिरने से जब आपका हाथ टूट सकता है तो फिर पानी गिरने से फोड़ा क्यों नहीं हो सकता? आप कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बुद्धू तो मेरे यहाँ काम करता है, इसलिए मैं बुद्धू को लेने आया हूँ। बुद्धू को मतलब ये मतलब मुझे समझाने मत आना, ठीक है? बुद्धू बेवकूफ है इसलिए तुम उससे बहुत काम करवा रहे थे, क्यों? आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। बुद्धू चलो चलो घर चलते हैं। हाँ, आपने मुझे आज बचाया मालिक, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन बुद्धू जिंदगी में तुम्हारे पास कभी भी दिमाग नहीं आएगा, क्यों? बहुत ज्यादा दिमाग अच्छा नहीं होता मालिक, थोड़ा बहुत दिमाग तो है मेरे पास। चलिए चलिए चलिए, हमें घर जाना है ना मालिक, चलिए चलिए चलिए।